Hi, this is Dana Zubair Rahmani and you're watching me on Goal India. देखते रहिए इंडिया का न्यूज चैनल बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। पहले कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। और इस तरीके से आप पिछले 3 महीने पहले से ये काम कर रहे थे, इवेंट के बारे में सोच रहे थे और आज फाइनली सक्सेस हुआ, ला रहे हो, उसके लिए IN24 एंड बोल इंडिया की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है, नेक्स्ट सुपर आइकॉन Season 2 लेके आना है हमें बहुत जल्द। सर का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सेकंड शो भी करेंगे। पहला शो था, काफ़ी गलतियां हुई होंगी बट एट लास्ट में हमने जजेस को भी खुश किया, पार्टिसिपेंट्स को भी खुश किया, सभी खुश थे। क्या देखा? एंड ये जेन्युइन रिजल्ट्स थे, पार्टिसिपेंट्स बहुत खुश थे। हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कोई डिसहार्टन ना हो, हमने सबको खुश किया, यही हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। फर्स्ट इवेंट था, नेहा जी की तरफ से माफ़ी मांगी गई है कि जो भी गलतियाँ हुई होंगी माफ़ करिएगा मेंबर्स, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? ऑब्वियसली बिकॉज ये हमारा फर्स्ट शो था तो कुछ तो लू फॉल्स निकलेगा ही, तो हमारे तरफ से ऑब्वियसली सॉरी, ये इस बात पे मैं भी कायम हूँ बिकॉज़ कुछ ऊपर नीचे होते रहते हैं। एज़ इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट सो बेसिकली वी व्हाट वी वर थिंकिंग कि हमारा कुछ एक इवेंट आए जो कि हम लोग कुछ कर पाए अपकमिंग मॉडल्स के लिए जिनको स्कोप नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बट इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए हम लोग जो एफर्ट लगाए हैं उसके लिए थोड़ा सा अगर गलती हुई है तो वी आर सेइंग सॉरी, बट सबको माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट इवेंट के लिए ऑब्वियसली वी आर रेडी। हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, बात की अगर कहें तो इधर से सुनते इधर से उड़ा देते, देखते भी हैं तो किधर से देखते इधर से निकाल देते हैं। एग्जैक्टली, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दिस, बट फॉर द नेक्स्ट इवेंट व्हेन वी आर कमिंग फॉर नेक्स्ट सीजन हम लोग फुल जोश विदाउट एनी फॉल्ट हम लोग फिर से आएंगे, फिर से सबको खुश करेंगे एंड ऑब्वियसली आप लोग को भी चाहिए हमारे साथ सो दैट हमारा एफर्ट ऊपर जाए। और आसिफ जी, लास्ट में आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि देखिए कोई फॉल्ट नहीं रहेगा सेकेंड इवेंट में, और नेहा जी ने ऑन स्टेज भी ये कहा कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे सपोर्ट मिला है इस इवेंट का, अगर सक्सेस किया जाए तो मिस्टर आसिफ जी तमन्ना इवेंट, और जो अब हर मोमेंट पर जब जब कॉल पर आपकी बात हुई तब तब आपने उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। ये बात सही है कि मैंने हमेशा पॉजिटिव मैसेज दिया है, हमेशा मोटिवेट किया हूँ मैंने। इस वक्त मुझे एक शायरी याद आ रही है कि हिम्मत से हौसले से वो मंजिल पे आ गया, डूबा हुआ सफीना भी जैसे साहिल पे आ गया। तो इसी शायरी के साथ मैं दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र नेहा जी और सुदीपा जी को। क्या होता है ना कि खुद के अंदर जो हिम्मत होती है वही कामयाबी की वजह बनती है, और आज सब लोगों ने देखा अगर ये पहला इवेंट है और इसका इतना एफर्ट डाल के इतना सक्सेस किया गया तो मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज मुझे अपनी कंपनी की याद आ रही कि जब मैंने फर्स्ट इवेंट अपना किया था तो मेरे पास इतनी ऑडियंस नहीं थी या इतने मुस्कुराते हुए चेहरे नहीं थे, ये सबसे बड़ी कामयाबी की वजह है, यही आपका इंस्पिरेशन है। मुझे इस बात का दुख भी रहेगा कि नेक्स्ट टाइम शायद अब मेरे मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इतने खूबसूरत और मुस्कुराते हुए चेहरों ने इन्हें दोनों को इतना मोटिवेट कर दिया है। तो मैं दुआ भी करता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही काम करें क्योंकि नागपुर को हमेशा अच्छे काम की ज़रूरत है। एक बात तो आसिफ जी ने साफ कर दिया है कि जिस वक्त उन्होंने इवेंट कंपनी स्टार्ट किया था और फर्स्ट शो किया था तो उतनी पब्लिक इतनी ऑडियंस भी नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए चेहरे आप लोग हैं और आपके साथ जो कदम से कदम मिलाकर चले। नेक्स्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या लाइनअप होगा? 19 तो चलिए चले गया, 20 में स्टार्टिंग पे फिर लास्ट की बात, सर समझ में नहीं आया। 2020 में आप करेंगे या फिर? सर हमारी प्लानिंग तो यही है कि हम 6 महीने के अंदर ही वापस से इस शो को लेके आएं। हमारा मेन मोटो ये शो को लाने का यही था कि जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं जिन्हें कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिन्हें कोई भी रिकग्निशन नहीं मिलती, तो उनके लिए हम कुछ करना चाहते थे और फैशन शो से अच्छा इवेंट उनके लिए कुछ नहीं था जहाँ पर हमारे मॉडल्स के साथ वो कदम से कदम
कंधे से कंधा मिला के चल सकें, उन्हें कहीं से भी ये ना लगे, महसूस ना हो कि उनमें कुछ कमियां हैं। जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं वो भी वो सब कर सकते हैं, और आज हमने वो प्रूव किया है। हमने उन्हें स्टेज पे भी हम लेके गए, उन्हें उन्होंने काफ़ी अच्छा रैंप भी किया और ऑडियंसेस से उन्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। नरेंद्र लोंढे एंड आई एम फ्रॉम नागपुर। आज मैं इस नेक्स्ट सुपर आइकॉन महाराष्ट्र की मिस कैटेगरी में विनर हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। एंड बस मैंने ये सोचा नहीं था एक्चुअली कि ऐसा होगा, बट हो गया एंड फाइनली आई विन द शो, सो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सायली, आई एम फ्रॉम नागपुर, माई कंटेस्टेंट नंबर 10, आई एम सेकेंड रनर अप मिस महाराष्ट्र आइकॉन सुपर मॉडल। या ऑफकोर्स आई विन, आई डिजर्विंग, बिकॉज मैंने बहुत हार्ड वर्किंग किया है एंड आई एम वेरी प्राउड मोमेंट, थैंक यू। हेलो, दिस इज़ खुशबू मोहरकर, कंटेस्टेंट नंबर 13, आई एम द फर्स्ट रनर अप। हाँ, थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि विनर नहीं हुए, लेकिन क्या हुआ, जीत हाथ और चलती रहती है, एग्जैक्टली वही मतलब लाइफ का मीनिंग होता है। सो जीत का श्रेय किसको देते हैं? ये जीत का श्रेय वो दोनों खड़े हैं वहाँ पे, मम्मी डैडी साथ में ही रहते हैं हमेशा, सपोर्टिव है। सो अच्छा लगता है कि मॉम डैड सपोर्ट करते हैं, किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सो अभी मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। इसके बाद का लाइनअप क्या होगा आपका, कहाँ पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? इसके बाद जो भी शोज़ आएंगे वो मैं उसमें मतलब ट्राई करूँगी, हर शो में ट्राई करूँगी। वैसे तो अभी मेरा 12th का ईयर रहेगा तो वो थोड़ा कम, बट चलते रहेगा। श्रेय किसे देते हैं और श्रेय के पीछे सबसे ज़्यादा हाथ किसका, और यहाँ तक आज पहुँचने का मौका जो मिला है? सबसे ज़्यादा तो मैं मेरी मम्मा को इम्पोर्टेंट देती हूँ, बिकॉज शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन एंड वो हमेशा मुझे सपोर्टिव करती हैं। मेरी जॉइंट फैमिली है उसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रहता, बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन, वो आज भी मेरे साथ यहाँ पे आई है और वो हमेशा रहती है, तो डिज़र्व वो ही मम्मा करती है। मेरा नाम अमन जायसवाल है, मैं पुणे से हूँ और मैं आज का महाराष्ट्र सुपर आइकन का विनर हूँ और मुझे काफ़ी खुशी हुई है ये अवार्ड जीत के, और मेरे आगे के प्लान्स भी ऐसे काफ़ी पेजेंट्स में पार्ट लो और होपफुली जीत सकूँ थ्रू हार्ड वर्क, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम तौसीफ खान है, मैं सेकंड रनर अप रह चुका हूँ। बहुत खुशी मिली है मुझे ये सब ये खिताब पाकर, और भी नेक्स्ट सारे कॉम्पिटिशन्स जीत करना चाहूँगा और इसे जीतना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। घबराहट वही है जो स्टेज में थी, वो घबराहट भी बरकरार है। हाँ, एक्चुअली ये बदल जाएगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ, ऑब्वियसली बहुत जल्दी बदल जाएगी, इसे बदल नहीं होगा। हेलो, मेरा नाम ईश्वर बाड़बुदे है, मैं फर्स्ट रनर अप हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने, मैं पहली बार इस प्रोग्राम में, आई एम अ फ्रेशर्स, सो मैं और प्रैक्टिस करूँगा और शोज दे दूँगा। ओके, थैंक यू। नेम इज़ जिश्री निनाल मोटकरे और हम फर्स्ट विनर अप है नेक्स्ट आइकॉन महाराष्ट्र के, और इसके बाद हम ट्राई करेंगे मिसेस इंडिया के लिए, दैट इज़ माई ड्रीम नाउ एज ऑफ नाउ, और दैट इज इट। माई नेम इज़ मिसेस भूमिका प्रशांति उससे, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर बाई प्रोफेशन और मैं सेकेंड रनर अप हूँ, और आगे मैं भी मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिसेस अमी मनोज शिंदे, और मैंने दो टाइटल जीते हैं, वन इज़ मिसेस पॉपुलर एंड सेकंड इज़ मिसेस महाराष्ट्र सुपर आइकॉन 2019, और अभी ये टाइटल जीतने के बाद अभी फ़िलहाल तो कुछ प्लान नहीं है, बट सी जैसे जैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स आती है तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव द गोल्स, दैट्स इट। एक्चुअली सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो टीवीज़ में होता है ना जनरली कि भाई फेक होता है, जैसे सलमान खान अनाउंस करता है कि ये एलिमिनेट हो गया है, बट उसको लाकर बिठा देते हैं, और लाइक वैसे ही था कुछ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सच्ची बोलो बच्चे के लिए मत बोलो, बस रियली इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। कितना टफ होता है, जैसे कि घर भी आप लोगों को चलाना है, सारी चीज़ें होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, टफ तो होता है, लेकिन अगर फैमिली सपोर्टिव है, हस्बैंड सपोर्टिव है तो कुछ भी आसान है।
कुछ भी मुश्किल नहीं है, हर कुछ आसान है। आगे की लक्ष्य अगर मैं बात करूँ, क्या ड्रीम है, क्या लक्ष्य? आगे इससे ऊपर जाके मिसेस इंडिया के लिए ट्राई करना है, ताकि जो यहाँ तक के पहुँचे हैं तो इसको आगे तक के टाइटल लेके जाना है। आज आपने जज किया और काफ़ी टफ होता है ये मोमेंट जज किसे, क्या सारी चीज़ें सारे मोमेंट आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारी हर जगह कितना टफ होता है? सर क्या होता है, जजेस के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क ये होता है कि 30 कंटेस्टेंट्स थे आज, उसमें से टॉप 3 रखना। मतलब कई बार ऐसा होता है आप उसको जिताना चाहते हैं बट एक गलती के कारण आप उसको छोड़ देते हो। सो लड़कियाँ बहुत अच्छी थी, मिसेस बहुत अच्छे थे, बॉयज़ बहुत अच्छे थे और हम लोग जिसको चाहते थे वो बने। तो वी आर वेरी हैप्पी कि दे वर डिजर्विंग और उन्होंने बहुत ही अच्छा किया था। जिसे चाहते थे यानी पहले से? नहीं पहले से नहीं, मतलब आप एक होता है ना जैसे आप वॉक पे 10-13-15 लड़कियाँ आ रही हैं तो एक होता है ना पांचों जजेस की एक ही चॉइस होती है। जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो कई बार फाइट होती है, तो कोइंसिडेंटली हम लोग पांचों जजेस का वही टॉप था, नहीं तो एक या दो ने भी मार्क्स उसको कम ज़्यादा दे रहे थे तो वो मैन नहीं पाते। सो पांचों की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जैसे सेकंड जिसको ज़्यादा थे, सेकंड और थर्ड के बीच में हमारी लड़ाई चल रही थी, दो को वो पसंद थी, तीन को वो पसंद थी, तो वो झगड़ा होता है। ये झगड़ा कैसे समाप्त करते हैं आप लोग जजेस के बीच में? जैसा भी मैंने कहा कि काफ़ी टफ होता है, बात तो सही है, लेकिन जो झगड़ा अगर चल रहा है, तीन कुछ और बोल रहे हैं, दो कोई और बोल रहे हैं और एक सिंगल पर्सन कोई और बोल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि भाई ठीक है, यू हैव टू कन्विंस योर को जज कि भाई ये कारण से ये लड़की ज़्यादा बेटर है उस लड़की से या उस लड़के से। पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि जजिंग कितना डिफिकल्ट होता है, एक्चुअली क्या है यहाँ, जैसे आज जजिंग कर रहे थे तो सब यंग लोग हैं, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबके डेडिकेशन दिखता है, सबके चेहरे पे इनोसेंस दिखता है, तो आपको बड़ा डिफिकल्ट होता है। सिलेक्ट करना डिफिकल्ट नहीं होता, रिजेक्ट करना डिफिकल्ट होता है कि भाई 5 चुन के जो 10 हटाने हैं वो जो उनके क्या गुजरेंगी उन पर, तो वो जब सोचते हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट आपका काम है जज करना, 15 में से 5 ही फाइनल में आ सकते हैं, फिर उसमें से 3 ही विनर हो सकते हैं, तो दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। ऐसा कभी, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग जज कर रहे हैं और सामने अगर 10 लोग हैं पार्टिसिपेट, उसमें से 10 में से 3 आपके फैमिली मेंबर्स, एक सपोज आप सडनली आपको पता चल रहा है स्टेज में फैमिली मेंबर या रिलेशन, वहाँ भी टफ? सी अगर आप सही में जज हो तो टफ नहीं होता है, पूरे पैरामीटर्स क्लियर हैं। अगर आप उस पैरामीटर में हो गए, आपको अपने इमोशंस अपने रिलेशंस अलग रखने पड़ते हैं, नहीं तो जज की सीट के लिए आप नहीं। सो आई प्रिफर कि अगर वो सही में कैलिबर है और सही में उसमें दम है तो आपने उसको सिलेक्ट करना, अदरवाइज नहीं है तो वो कितना भी रिलेशनशिप नहीं देना चाहिए। और आज अगर मैंने उसको जिता लिया, आप ये सोचिए अगर आज मैंने उसको जिता दिया सर, बट उसका जो फ्यूचर बनने वाला है, इसके बाद जो वो आगे बढ़ने वाली है, शायद नहीं बढ़ पाएगी। आज मैंने फेवर से जिता दी, समझ लीजिए आपने, बट मैं जो लड़की डिजर्विंग है उसको पीछे कर रही हूँ। एट द सेम टाइम तो मैं दो बड़ी गलतियाँ कर रही हूँ, जो डिजर्विंग है उसको आगे नहीं भेज रही हूँ और जो नॉन डिजर्विंग है उसको अपना रिलेशनशिप और उसके जो उसके फ्यूचर में मैं एक बैरिकेड खड़ा कर रही हूँ कि तुमको तुम्हारी गलतियाँ दिखेगी नहीं तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। देखिए आप तो बहुत काफ़ी सवाल मेरे छूट गए तब आप सवाल भी सेम है मेरा कि जज के लिए काफ़ी टफ होता है एग्जैक्टली जज करना। कभी ऐसा हुआ है कि आप जज कर रहे हैं स्टेज में, एकदम से आपके रिलेटिव सामने परफॉर्म कर रहे हैं, अब जज करना, ऐसा कभी हुआ है? हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, अभी रिसेंटली लाइक रिसेंटली एक बार हुआ है मेरे साथ। मैं मुंबई में करिश्मा मिस एंड मिसेज इंडिया जज कर रहा था, तो वन ऑफ लाइक माय कज़न सिस्टर वहाँ पे उसने पार्टिसिपेट करी थी, तो एट दैट टाइम हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट लाइक स्टिल हम लोग को तो ऑब्वियसली फेयर रिजल्ट ही देना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, बहुत जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। सो आई जस्ट वांट टू से कि रिलेटिव्स अगर है या हमारा कोई भी बहन भाई एनीथिंग, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट हमेशा फेयर ही होना चाहिए। जिस वक्त आप स्टेज में हुआ करते थे, आज आप जज कर रहे हैं, कितना मानते हैं, क्या फर्क है जज करना और स्टेज में? देखिए स्टेज पे जब हम होते हैं तो हमको सिर्फ परफॉर्म करना होता है, हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एज अ लाइक कंटेस्टेंट, बट उससे मोर देन 100 टाइम्स ज़्यादा टफ हो जाता है
जज करना, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा या एक बंदी नहीं होते, वहाँ पे मोर देन 10 to 20 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को जज करना कि कौन कितना एक्टिव है, कौन लाइक कितना वहाँ पे मेंटली फिजिकली हर तरीके से प्रेजेंट है, तो जज करना इज़ लाइक आई थिंक मोर देन 100 टाइम्स डिफिकल्ट देन परफॉर्मिंग एंड लाइक एज अ कंटेस्टेंट ओवर देयर। आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज मैं सबको एक ही चीज लाइक दूंगा कि जिंदगी में एक मैं चीज़ एक थॉट बोलूँगा, जिंदगी में जीत और हार हमें हमारी सोच बताती है, जो सोचता है वो हार जाता है और जो सच में ठानता है वो जीत जाता है। सुनी का सफर साथ में लेके घूमते हैं आप, इसके पीछे कोई राय? वही हमारा, वही मेरी हम सफर है और उसी के वजह से मैं आज जहाँ खड़ा हूँ उसका उस पर बहुत बड़ा योगदान है। योगदान है लेकिन चलिए हम बात करते हैं जो पार्टिसिपेट अभी हुआ और अधिकतर पूरा नागपुर से छोड़िए पूरे विदर्भ की अगर मैं बात करूँ या अधिकांश पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं मुख्तार शेख का नाम हर फैशन शो पर जुड़ा होता है। डिज़ाइनिंग के पीछे कितनी आपको मशक्कत करना पड़ा जो आज आपको मुकाम मिला है, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सबसे पहले सपोर्ट एंड मेहनत? एक्चुअल मैं बोलते हैं ना जीरो से हीरो बनाऊँ, सेम स्टोरी है। मैं जो था पहले एक हेल्पर था, उसके बाद सेल्समैन बना, उसके बाद सुपरवाइज़र बना, फिर हेड सुपरवाइज़र बना और आज मैं रेमंड के थ्रू एक छोटा सा स्टूडियो डाला, उस स्टूडियो से आज मैं जो हूँ और मेरा काम बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। एक्चुअल मैं चाहता हूँ जो मेरे पे अगर ट्रस्ट किया है उस ट्रस्ट को मैं पूरा करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। उसमें मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, वो मेरी वाइफ तो नहीं बोल सकते, वो मेरी हमसफ़र है, मेरी एक अच्छी दोस्त है और मेरे रहनुमा है। मैंने शुरुआत ही वहीं से कहा कि हमसफ़र जी, हमसफ़र के लिए भी एक टास्क बहुत होता है, डिफिकल्ट होता है कि सबसे पहले तो अगर मैं रिश्ते की बात करूँ, जब रिश्ता आता है इवेंट कुछ और है, मोड़ कहीं रहे हैं, ओके जब आता है वहाँ वो भी एक टास्क होता है, मिक्सअप करना पड़ता है उसे भी, वो भी एक टास्क होता है कि भाई आप जिसे जज कर रहे हो, कहने का मतलब जिसे आप हम सफ़र चुनना चाहते हो, जैसे कि अभी कहा कि हम सफ़र का सहारा हर वक्त मेरे साथ पे है और कहीं ना कहीं इस कामयाबी के पीछे आपका भी हाथ है। मुझे ऐसा कोई मोमेंट बताइए मेरे जूनियर के बाद से कि कभी ऐसा हुआ है कि आप इस फील्ड को छोड़ दीजिए, पहले ही ठीक थे या फिर हम चेंज करते हैं? नो नो नो, कभी नहीं। मुझे हमेशा हर फील्ड में मतलब जो भी मैं मतलब चाहती हूँ वो मुझे मतलब बराबर खड़े हो जाते हैं, मेरे कदम से कदम मिला के चलते हैं मेरे साथ और हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। कभी मतलब मना ही नहीं किया है कि तू ये मत कर, तू मतलब यहाँ मत जा, ये मत कर, हमेशा मतलब हर इसमें मतलब जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलता है और मैं उनके साथ मतलब बहुत सपोर्ट, वो जो बोल रहे थे मुझे कि सपोर्ट करती है, तो मतलब सपोर्ट करना बोले तो बहुत अलग हो जाता है। मैं बोलूँगी तो इनका मैं हमेशा ज़िंदगी भर साथ देना चाहती हूँ और हमेशा इनके कदम से कदम मिला कर चलना चाहती हूँ और बस, और आगे क्या कहूँ। एक सवाल मेरा बीच में था कि ऐसा कोई मूवमेंट आया कि भाई ये लाइन को चेंज करके हम दूसरी लाइन चेंज? नो, कभी नहीं, नेवर। कभी आएंगा भी नहीं शायद, वो इतने अच्छे हैं कि मतलब कभी कुछ बोलते ही नहीं है कि मतलब तुझे ये क्यों कर रही है, तू बाहर क्यों जा रही है, तू ऐसा क्यों कर रही है, तू ये फील्ड में मत जा, ये फील्ड में मत जा, तुझे जो पसंद है, तुझे जो करना है तू कर, सिर्फ मतलब मेरे साथ रहे बस। कि साथ रहे बिल्कुल, वाकई पे जहाँ जहाँ हम देखते हैं हर इवेंट में आप दोनों साथ देते हैं और मालिक हमेशा आपको साथ रखे, ताज़गी खुश रखे। मुख्तार साहब, अगर मैं बात करूँ डिज़ाइनर की, तो कैसा, जैसा भी आपने अपना सफ़र सुनाया कि मैं ये था, मैं वो था, उसके बाद डिज़ाइनिंग में अचानक आना और फिर बाद में वो मूवमेंट को आगे तक बदलना और आज मालिक के कर्म से पूरे महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं हर इवेंट में आपके डिज़ाइन के कपड़े होते हैं? जी जी, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे, मेरा बहुत अच्छा नेचर है, हर नेचर के हिसाब से मेरे हर मॉडल मेरे साथ जुड़ जाते हैं, हर जो ऑर्गेनाइज करता है वो मेरे साथ जुड़ जाता है, उनको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए कुछ अच्छा करेगा और मुझे हर चीज़ में करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार का कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट अपनी वाइफ के सपोर्ट से चलता हूँ और मेरे अपने दोस्त भाई है जिनके वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सफर बरकरार रखेंगे आप दोनों साथ में? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमेशा हमेशा। एवरीवन, दिस इज फखान, कीप वॉचिंग बोल इंडिया।